तो भाइयों जो बिहार के हीरो द्वारा बनाई गई पार्टी आरजेडी का नेता है कोई, ये खुद बोल रहा है कि जो फर्जी क्षत्रिय बने हुए हैं। शूद्र और वैश्य को सोसाइटी में सम्मान नहीं था, तो शूद्र और वैश्य के अंदर एक होड़ लगी हुई थी क्षत्रिय कहलाने की, क्योंकि जिस जातीय संगठन बनाए गए सब में देखिए कि क्षत्रिय शब्द लगाया गया था, चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, दुसाध क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, कोयरी क्षत्रिय हितकारिणी महासभा, इस वह मान सम्मान के दृष्टिकोण से क्षत्रिय शब्द लगा रही थी और क्षत्रिय बनने के नकली क्षत्रिय बनने के होड़ में शामिल थी। सर्वे का रिकॉर्ड है जो खतियान होता है उसमें कहार ही असली शब्द है। अब कहार के रेफरेंस से हम लोगों ने चंद्रवंशी शब्द जुड़वाया कि कहार कहने में कुछ लोगों को शर्म आती थी, कुछ लोगों को हीन भावना थी, तो चंद्रवंशी, लेकिन वह चंद्रवंशी कौन? चंद्रवंशी वह नहीं जो राजपूत है, चंद्रवंशी वह जो कहार है, यह बिहार के अंदर है, इसलिए हम लोग रेफरेंस में लिखते हैं कहार मतलब वो आजकल कशवाहा बन गए। देखिए आपकी जो मौर्य शब्द लगाने लगे वो काशी थे, तो आप देखिए ऐसे ही धोबी वो भी क्षत्रिय बन रहे हैं। इसके अलावा जो कहार है वो बिहार में चंद्रवंशी बन रहे हैं, तो आप देखिए कि सूर्यवंशी बन रहे हैं जो कशवाहा हैं, जो ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने सरनेम चुराया है कशवाहा राजपूतों का, जो कुशवाहा बन रहे हैं अभी। तो भाइयों साफ साफ है कि इनको इज्जत नहीं मिलती थी, उसको लेकर इन्होंने आज के टाइम में क्षत्रियों को ही चुराना शुरू किया, बाकी ब्राह्मण या किसी और को नहीं चुराया। तो आप देखिए कि ऐसे कैसे चलेगा, क्षत्रिय बनना है और आरक्षण भी लेना है, मुझे समझ नहीं लगती कि ये चल क्या रहा है, इस देश में चल क्या रहा है। भारत सरकार इस चीज़ पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही कि तुम एक तरफ आरक्षण भी लेते हो, दूसरी तरफ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हो, असली जो क्षत्रिय हैं राजपूत हैं वो कोई भी आरक्षण नहीं लेते।